खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लॉकडाउन खत्म होते ही उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। सरकार ने राजधानी लखनऊ और कानपुर के बीच में फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है। फिल्म सिटी के लिए 25% सब्सिडी पर जमीन दी जाएगी, जिसके बाद से प्रदेश की तरक्की को पंख लगना तय है। लॉकडाउन में बंद पड़ी जिंदगी और उद्योग जगत को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाने के लिए यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसकी एक और नजीर है कानपुर और लखनऊ के बीच फिल्म सिटी का सपना साकार करने का। सपना साकार करने का सीएम योगी का कदम। फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत किया है। मुझे बताते बड़ी खुशी है कि हमने मुख्यमंत्री जी से जो रिक्वेस्ट किया था, जो उनको सुझाव दिए थे, काफ़ी उन्होंने उसमें सहमति व्यक्त की है और हमें हरी झंडी दे दी है। तो क्यों ना फिल्म सिटी कानपुर में बने या लखनऊ में बने या कानपुर और लखनऊ के बीच में बने। कानपुर और लखनऊ के बीच में अगर फिल्म सिटी बनती है तो कलाकारों के लिए, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के लिए आने जाने के लिए दो एयरपोर्ट मिलते हैं। एक कानपुर का एयरपोर्ट मिलता है और एक लखनऊ का एयरपोर्ट मिलता है। ये सुझाव उनको बहुत अच्छा लगा, तो इस पर भी उन्होंने सहमति व्यक्त की। इस बात की मुझे खुशी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दर्शकों की क्षमता के सिनेमा हॉल बनाने की संभावनाओं पर भी विचार करने और इस संबंध में योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि फिल्म निर्माण में किसी तरह की बाधाएं ना आए, अगर कोई तकनीकी दिक्कत है तो उन्हें जल्द दूर किया जाए। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने का और इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ जो नज़र डाली है, इससे प्रदेश के विकास में एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी पिछले दिनों सरकार ने जो सहूलियतें दी, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में आज इस हद तक शूटिंग हो रही हैं। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े स्टार्स आज लखनऊ एक बहुत ही, मुंबई के बाद एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है। अपर मुख्य सचिव सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण क्षेत्र में अपार संभावनाओं का फायदा सूबे को दिलाने के लिए सरकार बेहद संजीदा है। यूपी फिल्म पॉलिसी 2018 के जरिए फायदा फिल्म जगत और कलाकारों को भी मिलेगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और जो उत्तर भारतीय हमारे जाके महाराष्ट्र में जो धक्का खा रहे थे, जो उनके साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ है, और ये फिल्म जो है आप समझिए कि देश का लगभग 33% पैसा इसमें जो है इन्वेस्ट होता है। फिल्म सिटी की बात हो रही है कि कानपुर और लखनऊ के बीच बनेगी, ये सरकार गुमराह कर रही है। पिछली सरकार देख ली, समाजवादी सरकार में ये तय हो गया था कि उन्नाव में फिल्म सिटी बनेगी, उस पर प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। उसी काम को बढ़ा करके योगी जी उसको अपनी उपलब्धि बताना चाह रहे हैं। यूपी सरकार की इस कवायद को आधार बनाए तो वो दिन दूर नहीं जब हैदराबाद की ही तर्ज पर यूपी में भी अपनी फिल्म सिटी होगी, जहां फिल्म निर्माण की सभी सहूलियतें एक ही जगह मिल सकेंगी। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि बड़े फिल्म निर्माता और निर्देशकों का उत्तर प्रदेश में फिल्म बनाने की हसरतें साकार हो सके। इस ओर राज्य सरकार द्वारा फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए दी जा रही सब्सिडी भी संजीवनी साबित हो रही है, जिसका फायदा पूरे सूबे के साथ ही कला जगत को भी मिलना तय है। लाइट, कैमरा, एक्शन, अब यूपी में भी ये गूंज बहुत जल्द सुनाई दे सकती है। योगी सरकार ने फिल्म सिटी बनाने के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द कानपुर और लखनऊ के बीच उन्नाव के पास फिल्म सिटी आकार लेने लगेगी, लेकिन उससे पहले शुरू हो गई है सियासी दंगल भी। समाजवादी पार्टी का जहां कहना है कि यह फिल्म सिटी बनाने का प्रोजेक्ट
उनकी अखिलेश सरकार की देन है और भाजपा इसको रिमिक्स करके बेच रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसे सरकार का बड़ा फैसला बताया है। अब देखना यह होगा कि आखिर इस तकरार और दंगल के बीच फिल्म सिटी कैसे आकार लेती है। कैमरामैन रोशन यादव के साथ राधाकृष्ण त्रिपाठी, जनतन टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।